हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में आज आपको डाउट को क्लियर करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह का सेंटेंस आता है और आप डाउट में पढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि इसे हम कैसे इंग्लिश में बोलें या फिर लिखें। आप देख रहे हैं हंसता तो है का मतलब है कि जोर देकर बोला जा रहा है कि वह इस काम को करता तो है, वह खेलता तो है, वह हंसता तो है, वह रोता तो है। हम किसी पर जोर देकर बोल रहे हैं, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, तो हम जोर देकर बोल रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट इस काम को करता तो है। बस, तो जब जोर देकर बोला जाए किसी के बारे में कि वह इस काम को करता है, तो उसके लिए क्या रूल होगा हम बताने वाले हैं। फिर हंसते रहता है, खेलते रहता है, सोते रहता है, पढ़ते रहता है, इसका मतलब है कि वह किसी काम को करते रहता है, जारी रखता है। तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे ये बताने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हंसने लगता है का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है। मेरी नज़र जब भी उस पर पड़ती है तो वह मुस्कुराने लगती है, वह हंसने लगती है, वह भागने लगता है, तो कोई काम करने लगना। उसके बाद आप देखेंगे कि हंसते ही रहता है का मतलब यहाँ पर जोर देकर बोला जा रहा है कि वह दूसरा कोई काम नहीं करता, हंसते ही रहता है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, तो एक एक करके समझेंगे और उस पर हम प्रैक्टिस करना है। आपको हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देना है, सिर्फ देखना नहीं है, सीखना है, कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले वह हंसता तो है, इम्फैटिक सेंटेंस है, जोर देकर बोलना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में डू या डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी वन, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी रहे, लेकिन इधर वी वन ही होगा, वर्ब का पहला रूप ही होगा। और यहाँ पर देखेंगे डू और डज में आपको ध्यान देना होगा, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। वही अगर अन्य है तो उसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे वह हंसता तो है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही डज और फिर लाफ। यहाँ पर हम लाप्स नहीं करेंगे क्योंकि इसके बदले में डज का प्रयोग कर दिया गया है, ये भी वर्ब फाइव का काम कर रहा है। तो ही डज लाप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, वह हंसता तो है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह रोती तो है, तो फिर क्या करेंगे, सी, और ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सी डज वीप, वह रोती तो है। नेक्स्ट है बच्चे खेलते तो हैं, बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे खेलते तो हैं, तो हम क्या करेंगे, खासकर उन बच्चों के बारे में बोला जा रहा है जो आपके घर में है या फिर किसी खास बच्चों के बारे में हो रहा है, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रेन, और ये प्लुरल सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे डू, और फिर क्या करता है बच्चे, तो खेलता है, तो हम लिखेंगे प्ले, द चिल्ड्रेन डू प्ले, बच्चे खेलते तो हैं। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ते तो हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फिर लिखेंगे वी, और यहाँ पर भी प्लुरल सब्जेक्ट है और इसके लिए हम फिर यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, तो वी डू और पढ़ते तो हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टडी, वी डू स्टडी, हम लोग पढ़ते तो हैं। उसके बाद है मैं इस बारे में जानता तो हूँ, जोर देकर बोल रहे हैं कि कोई घटना घटा उसके बारे में बोल रहे हैं कि हाँ मैं इस बारे में जानता तो हूँ, जोर देकर बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, मैं इस बारे में जानता तो हूँ, आई डू नो, मतलब मैं जानता तो हूँ किस बारे में, तो इस बारे में, तो आई डू नो अबाउट दिस, आई डू नो अबाउट दिस। तो अब जो सेंटेंस है हम देखेंगे वो हंसते रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम को करते रहता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में आप कीप ऑन प्लस वी फोर, या आप चाहें तो गो ऑन और उसके साथ में वर्ब फोर का यूज करेंगे, या फिर आप चाहें तो और तरीका है
कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू टू, और उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो ये इनका प्रयोग हम कैसे करें वो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे वो हंसते रहता है तो ही, और टेंस को आप याद रखेंगे तो ही कीप्स ऑन, हंसने वाली बात है तो लाफिंग, ही कीप्स ऑन लाफिंग। मतलब ये है कि वर्ब को ख्याल रखना है, टेंस को देखते हुए हम वर्ब का यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही कीप्स ऑन लाफिंग। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इसको आप जेरंड बोल सकते हैं, मतलब हम समझने के लिए वर्ब फॉर लिखे हैं, लेकिन जेरंड मतलब किसी काम को जारी रखना, एक्शन भी नाउन के रूप में होता है, हंसना खेलना, तो उसको जारी रखना। नेक्स्ट है, वह रोती रहती है, मतलब रोने का कारण एक्शन जो है जारी रहती है। तो हम क्या करेंगे, सी और दूसरे रूल से बनाते हैं, सी गोज ऑन वीपिंग, मतलब वह रोती रहती है, किसी काम को जारी रखती है, रोने का काम जारी रखती है। नेक्स्ट है, बच्चे खेलते रहते हैं, बात सही है कि बच्चे खेलते रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन और कंटिन्यू का यूज कर लेते हैं, द चिल्ड्रेन कंटिन्यू टू प्ले, द चिल्ड्रेन कंटिन्यू टू प्ले, बच्चे खेलते रहते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो इसमें हम इनमें से किसी एक रूल का यूज कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो वी कीप ऑन और क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो स्टडिंग, वी कीप ऑन स्टडिंग, मतलब हम लोग पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूं, ये भी कंटिन्यू करते रहते हैं हम, तो फिर क्या करेंगे, आई और कीप ऑन तो मैंने लिख दिया है, तो चलिए हम गो ऑन का प्रयोग करते हैं, तो आई गो ऑन तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूं, तो आई गो ऑन थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूं, आई गो ऑन थिंकिंग अबाउट यू। और यहां पर देखेंगे दो तरह का सेंटेंस है, वो हंसने लगता है या फिर बच्चे खेलते ही रहते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि यहां पर स्टार्ट का यूज करेंगे, स्टार्ट प्लस वी फोर, या बिगिन का प्रयोग करेंगे, फिर बिगिन के बाद में हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, टू प्लस वी वन। याद रखेंगे यहाँ पर स्टार्ट का यूज करते हैं तो वर्ब फोर का यूज करना पड़ेगा, मतलब जेरंड का यूज करना पड़ेगा, और अगर बिगिन का यूज करते हैं तो उसके साथ में टू प्लस वी वन मतलब इन्फिनिटिव का यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं बच्चे खेलते ही रहते हैं, तो इसमें आपको डू या डज नथिंग और बट इसका यूज करना है, लेकिन कैसे करना है इसे आप एक एक करके देख लीजिए। तो वह हंसने लगता है का मतलब कोई काम करने लगता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही स्टार्ट्स, क्योंकि टेंस को तो याद रखना पड़ेगा, जो टेंस का रूल है उसे आप याद रखेंगे, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए स्टार्ट्स करेंगे, तो ही स्टार्ट्स हंसने लगता है तो लाफिंग, ही स्टार्ट्स लाफिंग, वह हंसने लगता है। नेक्स्ट है, वह रोने लगती है, तो क्या करेंगे, सी और चलिए हम बिगिन का यूज करते हैं, तो सी बिगिंस और इसके साथ में इन्फिनिटिव का यूज करना है, तो सी बिगिंस टू वीप, वह रोने लगती है। अब आते हैं ट्रैक को चेंज करते हैं और देखते हैं, बच्चे खेलते ही रहते हैं मतलब कोई काम नहीं करते हैं, खेलते ही रहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखते हैं द चिल्ड्रेन और यूज करना है डू या डज नथिंग बट, और उसके बाद में हम यहाँ पर वी वन का यूज करेंगे, बट के बाद में जो वी वन है उसको बोलेंगे वेयर इन्फिनिटिव, मतलब टू नहीं लगाना है, तो द चिल्ड्रेन खेलते ही रहते हैं, तो द चिल्ड्रेन और डू नथिंग, क्योंकि यह प्लुरल सब्जेक्ट है, तो द चिल्ड्रेन डू नथिंग बट प्ले, बच्चे खेलते ही रहते हैं, और यहाँ पर टू प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, और अगर टू का यूज करते हैं तो फिर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वी डू नथिंग और उसके बाद बट स्टडी, हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। मैं सोचते ही रहता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, बैठ करके सोचते रहता हूँ। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, तो आई और डू नथिंग बट थिंक। वही अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है कि वह सोचते ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट थिंक, ऐसे होता है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने के। तो आज का सवाल है, वह घूमते रहता है, वह घूमते रहता है जैसे कोई काम करते रहता है। मैंने आपको बताया था कीप प्लस वर्ब फोर का यूज़ करेंगे, गो ऑन या फिर वर्ब फोर का यूज़ करेंगे, तो वह घूमते ही रहता है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान है, और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।